अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगी और खैरियत से होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मॉर्निंग हो गई, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अर्श चले गए हैं स्कूल। और देखिए गाइस, आज निकल रही है धूप। आज धूप बहुत तेज़ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और पत्ते की पता नहीं कैसे, मनी प्लांट के सारे पत्ते भी हमारे जल रहे हैं। तो बस हमारा जो डेली का रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है गाइस। और देखते हैं, आज शायद मुझे अपनी आई साइट टेस्ट कराने जाना है, तो अगर गई तो आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर चलना। देखिए गाइस कितना साफ़ हो गया वॉश बेसिन। अब मैं जा रही हूँ किचन में, मुझे आज वॉश करनी है फ्रिज की बास्केट। इसमें पता नहीं क्या क्या सब्ज़ी टमाटर ख़राब हो रहा है, ये टमाटर भी ख़राब है, इसके वॉश करूँगी। और आज हम गाइस बनाएंगे मलका की दाल और चावल। चावल मैंने भिगो दिए हैं, दाल अभी बनने के लिए रखूँगी। और ये कुछ सब्ज़ी मंगाई मैंने, टमाटर मिर्च है, इन सबको वॉश करके रखना मुझे फ्रिज में। बस ये सब सामान निकाल के इसको वॉश कर दिया। देख रहे मेरे टमाटर ख़राब हो गए सारे। अम्मी के घर आना जाना लग रहा था ना, तो ये ख़राब हो गए। पूरी बास्केट को वॉश करना पड़ेगा। देखिए गाइस हमारी बास्केट हो गई है वॉश। अब हम इसे रख देते हैं यहाँ हवा में सूखने के लिए। जितनी देर ये सूखेगी इतनी देर में सब्ज़ियाँ वॉश कर लेती हूँ। टमाटर की सब वॉश करके फ्रिज में रख देते हैं। गाइस देखिए हमारी सारी सब्जियां हो गई हैं वॉश। टमाटर, खीरे, हरी मिर्च और ये आलू पहले के रखे थे बास्केट में, तो मैंने इन्हें भी वॉश करके रख लिया है। अब जितनी देर ये सब्जियां हमारी सूखेंगी हम इतनी देर में अपने बना लेते हैं दाल चावल। और अर्श के डैडी के लिए बनाऊंगी रोटी, अर्श के और मेरे लिए बनेंगे दाल चावल। और ये आलू अभी आए हैं तो इन्हें रख देते हैं अंदर। चलिए फिर चलते हैं। अभी फ्रिज में बास्केट ला के रख रही हूँ मैं। देखिए फ्रिज की भी मैंने क्लीनिंग करी, थोड़ी सी करी, अभी ज़्यादा नहीं करी, थोड़ा सा बस साफ करा है, पानी बह रहा है इसके अंदर। गाइस देखिए हमारा घर हो गया है एकदम क्लीन। और अभी अर्श के आने में टाइम है, उससे पहले मैं झटपट खाना बना के और नहा लेती हूँ। टाइम होता नमाज़ पढ़ लूँगी, वरना अर्श के आने के बाद पढ़ूँगी। और गाइस देखना फर्श जो है बरसात में सूखता ही नहीं है, फ़ैन चल रहे हैं लगातार। देखिए दोनों फ़ैन ऑन है मेरे, और 5 बार वाइपर कर चुकी हूँ। अब सोच रही हूँ एक बार पोछा और लगा दूँ यहाँ का, तभी सूखेगा। और थोड़ा सा समरसेबिल भी चलाना है मुझे, क्योंकि कपड़े वॉश किए थे तो पानी ख़त्म हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं, समरसेबिल भी चला देते हैं थोड़ी सा, ताकि पानी भी हमारा भरा रहे। पहले बढ़ाएंगे वोल्टेज, अब चलाएंगे समरसेबिल। चल गया गाइस, देखना पता नहीं क्यों ये पत्ते हमारे मनी प्लांट पीला होने लगा। आप लोग ज़रा बताना मुझे कमेंट में कि क्यों पीला हो रहा है ये। पूरी केयर भी कर रही हूँ, पर जिस दिन से अम्मी के घर गई थी, रुकी थी ना मैं जाके, उस दिन से सारा मनी प्लांट हमारा पीला हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है मुझे, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इसका, सारे पत्ते पीले हो गए। ऐसे हो गए जल गए, देखिए देखना गाइस ऐसे लग रहा है ऐसे जल गए हों। यहाँ से देखिए गाइस घर साफ लग रहा है ना, बरसात में साफ घर ही अच्छा लगता है। चलिए इतने पानी भरा जा रहा है, इतने हम दाल बनने के लिए रख देते हैं और चावल। गाइस देखिए अर्श भी स्कूल से आ गए हैं। अर्श हेलो करो। हेलो। और पता है गाइस आपको, अर्श के स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है। पहले रेड चेक था और अब हो गया है ये वाला चेक। कैसा रहा स्कूल में आज का दिन आपका?
चलो मैं नमाज पढ़ लूँ फिर हम खाना खाएंगे। बहुत ही बढ़िया मैंने मलका की दाल चावल बनाए। देखिए हमारा खाना रेडी, हमने लंच लगा लिया है और यहाँ बने हैं हमारे राइस। राइस बड़ा कर रहा हूँ और ये हलीम गरम करवा लिया अर्श ने। ये है हमारी मलका की दाल, पहले मलका की दाल डाल दो। अच्छा, और ये सैलेड, अचार और रोटी। अब अर्श ने खाना स्टार्ट कर दिया है। गाइस देखिए हमारे मलका की दाल और चावल रेडी हैं और सब अपना अपना खाना खा रहे हैं। आप लोग भी आए हमारे साथ खाना खा लीजिए मलका की दाल चावल। गाइस देखिए गर्मी तो बस रिकॉर्ड तोड़ हो रही है, लेकिन चाय की आदत है ना, तो वो मैंने बनाई है अभी चाय नमाज के बाद और हम पी रहे हैं चाय। अर्श ने अपनी पीरीन की रेडी पी के चले गए हैं, अब मैं पी रही। किस किस को गर्मी में चाय पीना अच्छा लगता? आदत है पता नहीं कुछ, बस मैं दो ही टाइम पीती हूँ, ज़्यादा नहीं, सुबह और शाम। आप लोग कमेंट में बताना कि किस किस को चाय पीना गर्मी में भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उठी हुई थी 7 बजे की, मुझे आ रही थी नींद, मैं खाना खा के नमाज़ पढ़ के सो गई थी। अर्श कितने बजे से छत पे खेल रहे थे? 4 बजे से बच्चों के साथ क्रिकेट चल रहा था ऊपर, और ये उतर के आए हैं 6 बजे। देखिए बढ़िया लग रहा है, बनाया तो अच्छा, टेस्ट में अच्छा। अभी हम इस करना है चीनी और डालेंगे। पल्स की टॉफी तो डाली थी हमने, गाइस पल्स की टॉफी डाली। गाइस अब बन चुका है इनका ड्रिंक और इस व्लॉग के एंड में यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और गाइज पीछे से कूलर की आवाज़ आ रही है, आप इसको प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि अगर कूलर बंद कर रहे हैं तो गाइज इतनी गर्मी है आज, बहुत ही गर्मी है। पंखे भी समझ लिए, पंखों की हवा ही पता नहीं चली, मैंने बंद कर दिए दोनों, फ़ैन ऑफ हैं, कूलर ऑन है। गाइज देखिए यहाँ पर मैं आज का हॉलीडे होमवर्क, कल स्कूल जाना है, मैम ने लास्ट डेट बताई है कल, तो पूरा तो अलीज़ा ने कर दिया था, कुछ पिक्चर रह गई थी। गाइस ये तो सब देखिए अलीज़ा ने करा है, आज का हॉलीडे होमवर्क अलीज़ा ने देखिए कितना अच्छा अच्छा बनाया है, सब पिक्चर भी लगा दी अलीज़ा ने, लेकिन कुछ पिक्चर थी जो नहीं थी वो मैं अब लगा रही हूँ उसके ऊपर, वो पिक्चर लगा के इनको कम्प्लीट करके देना है कल स्कूल के लिए। और आज भी पुरानी बुक्स में से हम पिक्चर काट के लगा रहे हैं, क्योंकि कल लास्ट डेट है, मैम ने बताई हॉलीडे होमवर्क स्कूल में जमा करने का। हाँ एक मिनट रुको, अभी देख रहे हैं वो कुछ पिक्चर लगा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अलीज़ा ने इतनी अच्छी अच्छी अर्श का बना के दिया है, बहुत अच्छा ये तो बुक बना के दिया है। और अर्श ये दिखाओ, देखिए गाइस एक अर्श का ये है हॉलीडे होमवर्क का चार्ट, ये भी अलीज़ा ने बना के दिया है। गाइस देखिए इतनी ख़तरनाक गर्मी थी सारा दिन, अब देखिए बिजली चमक रही और बारिश भी आ रही, अब आई है बारिश सारा दिन की गर्मी के बाद। दिख रही बारिश कैमरे में? नहीं आती, नीचे डालो नीचे दिख रही है।